पीसीबी का दिमाग खराब हो गया। आखिर पीसीबी क्या था गया? पहले आपने पीएसएल कैंसिल करवाया अपनी हट धर्मियों की वजह से, अब आप साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज भी कैंसिल करवाने के ऊपर बिल्कुल तुले हुए हो। अब इंडिया ने बोल दिया कि हमारी जो मेन टीम है वो जून में खेलने जाएगी फाइनल, क्योंकि इंडिया की टीम ने क्वालिफाई किया, अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया तो, अगर इंडिया ने किया तो खेलने तो जाएगी ना। अब पीसीबी ने यह कह दिया कि हम बी टीम से साथ नहीं खेलेंगे। पीसीबी जी अब पहले पीएसएल कैंसिल करवाने के ऊपर तुला हुआ था, वो कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज भी कैंसिल करवा देनी है, बिल्कुल चांसेस उसके नजर आ रहे हैं, और एशिया कप भी पीसीबी ने कैंसिल करवा दिया है। यार मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे गुस्सा आता है पीसीबी की इन हरकतों की वजह से। ये पीसीबी आखिर चाहता क्या है? मतलब छोटी सी बात है, इंडिया की जो ए टीम है वो खेलने जाएगी यार अपना जो फाइनल है न्यूजीलैंड के खिलाफ। यार दो सालों की उनकी मेहनत है और वो टीम डिजर्व करती थी, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड और इंडिया डिजर्व करती थी फाइनल खेलना, और वो फाइनल में चली गई। अब बी टीम क्या मसला है बी टीम में, मुझे बस ये बता दें, बी टीम पाकिस्तान की ए टीम से 5 गुना बेटर टीम है। ये मैं कह रहा हूँ, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा है ये बात, क्योंकि इंडिया की जो बी टीम है वो यार वो सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो के वो सारे प्लेयर खेलते हैं यार आईपीएल। सूर्या कुमार यादव की बात कर लो, शन किशन की बात कर लो, के एल राहुल, ये कोई छोटे मोटे प्लेयर हैं भाईजान? इधर उन्होंने तबाही उठा के रखी हुई है, अब आईपीएल में चले जाएं 50-50 बालों के ऊपर 100 मार रहे हैं तो आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं। मतलब पीसीबी के, मतलब वो कहते हैं एक बंदे का दिमाग, इनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। पहले आपने जो है वो क्वारंटीनी प्लेयरों को सही तरह करवाया, आपसे होटल पूरे नहीं खरीदे गए, होटल्स में शादियाँ हो रही हैं, साथ जो है वो पीएसएल के प्लेयर्स को भी ठहराया जा रहा है, और पीएसएल बंद हो गया इनकी हट धर्मियों की वजह से। अब मुझे तो लगता है इन्होंने पीएसएल भी नहीं करवाना, जिस किस्म की इनकी हरकतें हैं, जिन किस्म की ये हट दरमिया लेके बैठे हुए हैं, दिमाग इनका काम नहीं करता। मतलब क्या आपने पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान लाया है? आपने पूरे का पूरा पीएसएल पाकिस्तान लाने का ये मकसद था कि 4 मैचेस करवा के आप पीएसएल छोड़ दो, फिर पीएसएल 6-7 माह के लिए आप एक्सटेंड कर दो और पीएसएल फिर हो? मैं तो करवा दिया था सितंबर में। आईपीएल कितनी बड़ी लीग है? पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है यार आईपीएल, उन्होंने तो करवा दी थी, और विद मैं कहता हूँ सही प्रोटोकॉल्स के साथ करवाई थी, और सारे प्लेयरों को जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है, कमाल का मैं कहता हूँ कि इधर दाद देनी पड़ेगी आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइज थी और बीसीसीआई को। बीसीसीआई और पीसीबी ने में फाइट शुरू हो गया कि अब हमने नहीं खेलना उनकी बी टीम के साथ, ये क्या तरीका है फलां। मतलब यार अकल का इस्तेमाल करो, उनकी बी टीम में कौन आता है? कप्तान उनका आता है केएल राहुल, उनके साथ शेखर धवन आएगा, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, संजू सैमसन, राहुल टेवतिया, नटराजन, भूवी, चहल, कुलदीप, ये कोई छोटी मोटी टीम है? यकीन माने पाकिस्तान की ये टीम से मुझे ये टीम स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए होते हैं, और इस टीम में आपको सारे T20 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। पीसीबी को अकल नहीं, पीसीबी का दिमाग ख़राब हो गया कि कुछ भी आते हैं कि अब जी जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी इन्होंने वो भी कैंसिल करवा देनी है। अब कह रहे हैं कि जो है वो पीएसएल जो है वो मार्च के जो आखिर वाला हफ्ता है उसमें करवाया जाएगा, पहले ये कहते हैं कि पीएसएल जून में करवाया गया जाएगा, फिर उन्होंने बोला कि इंडिया ने अपना आईपीएल इस वजह से अप्रैल में रखा है ताकि ओवरसीज़ जितने भी प्लेयर हैं वो सारे जो हैं वो आईपीएल खेलने चले जाएं और पीएसएल खेलने को आई ना। मतलब यार इंडियन टीम के साथ आप अगर पाकिस्तानी टीम को कंपेयर करते हो तो उनकी तरह परफॉर्मेंस भी दो ना। अब इंडिया की टीम आपसे 10 साल आगे है, जिस तरह की उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट की है, प्लेयरों को उन्होंने ग्रो करके पॉलिश करके आगे लाए हैं, आपने बाबर आजम के अलावा कौन सा प्लेयर लाया आगे मुझे ये बता दें? बाबर आजम को भी आपने नहीं लाया, बाबर आजम खुद आया, उसके अंदर वो नेचुरल टैलेंट था जिसके ऊपर उसने काम किया और वो आगे आया है। आप रोहित शर्मा की एग्जाम्पल ले लो, विराट कोहली की एग्जाम्पल ले लो, बीसीसीआई ने किस तरह उनके ऊपर काम किया है और आज वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के आए हैं और आपके सामने खड़े हुए हैं, जितने उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी टीमों के भी सेंचुरियां उठा के आप मिला लेना तो विराट कोहली जितनी सेंचुरियां नहीं बनती पाकिस्तान की किसी भी एक प्लेयर की। ये विराट कोहली भी इंसान है, वो भी आपकी तरह इंसान है, लेकिन वो काम करता है, मेहनत करता है। बीसीसीआई ने कभी ये काम नहीं किया कि हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, जबकि आप पीसीबी की हरकतें देख लो, ये लड़ाइयों के ऊपर तुले रहते हैं, टूर्नामेंट कैंसिल करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाए वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप जो खिलाया जा रहा है। इंडिया की आप टीम देख लो, इंडिया की बी टीम इतनी स्ट्रांग लग रही है, जबकि ए टीम में आपको विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, मतलब बुमराह मिलेंगे। इंडिया तो आप जिधर भी ले जाओ
होना T20 में खास करके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में T20 भी हो रहा है या साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो इंडिया की टीम तो आपको पहले नंबर के ऊपर नजर आएंगी। ये एक पाकिस्तानी कह रहा है यार, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहा है। समझ नहीं आती कि आखिर PCB चाहता गया और PCB इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहा है। थोड़ा सा सोचना चाहिए PCB को कि पाकिस्तानी क्रिकेट को आपने बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया, मजीद तबाह ना करें, अल्लाह का वास्ता है आपके आगे कि आप थोड़ी सी अक्ल का मुजाहरा करें और एशिया कप होने दें, चाहे इंडिया की बी टीम है। अगर इंडिया की इसी बी टीम ने आपको हरा दिया तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप यही कहोगे कि मुझे अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया। तो थोड़ा सा सोचो, बी टीम को हल्का नहीं लेना। मैं कह रहा हूँ बी टीम आपकी ये टीम से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। गाइज, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी भाई को जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।